गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं कश्मन और आप देख रहे हैं सेल्फ। गाइस आप में से बहुत ढेर सारे बच्चों ने ऑटो कैड सीख रखा होगा। अब वो लोग ये सर सीख रखा है, बहुत ढेर सारे बच्चों ने स्टेट प्रो सीखा होगा, कुछ ने ईटीएफ सीखा होगा, कुछ ने सेफ सीखा होगा, कुछ ने रेबिट सीखा होगा, कुछ ने थीडस मैक्स सीखा होगा। सीखे हो ना आप लोग, ठीक है। अब ये बताओ कि मैं अगर आपको बोलूं कि स्टेट प्रो पे एक बिल्डिंग को डिजाइन करना है और वो डिजाइन मुझे बनवाना है, कितने लोग करके दे दोगे? आप लोग सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ईटेस्ट पे जब मैं प्रोजेक्ट करने को तो बोलूंगा तो आप कहोगे सर पता नहीं ये लोड मैंने सही लगाया है कि नहीं, यही कंफ्यूजन है। विंड एनालिसिस सही किया है कि नहीं, यही कंफ्यूजन है। कितने लोगों को रैबिट पर पूरा प्रकांड होगा, मींस रैबिट पे एकदम पूरी हैबिट होगी, अगर मैं कोई भी फैमिली पैरामेट्रिक फैमिली बनाने के दुख करके दे दोगे? कितने लोग प्लानिंग करके दे दोगे? बिलीव करो बहुत कम रेशियो है जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट आए और हम सबमिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया तो आप जॉबलेस रह ही नहीं सकते हो दोस्त। अब लोगे सर आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो कि मैंने सारे सॉफ्टवेयर सीखे हुए हैं, बहुत ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स में गए और वहां पर भी हम लोगों ने सीखा भी, लेकिन अब हमको कोई प्रोजेक्ट देता है तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए हम प्रोजेक्ट करते नहीं। और कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जिस तरीके से एक एक्सपीरियंस बंदा करता है। तो आप सोच रहे हो सर इसका कुछ सोल्यूशन है क्या? हाँ जी है। क्या सोल्यूशन है? कभी भी एक जो लॉयर होता है, अब वो उसके लाइफ में अलग अलग केस तो आते हैं, मतलब कोई क्रिमिनल केस है, कोई लाइक अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केसेस है, तो वो लोग आपको पता है वो कैसे सॉल्व करते हैं उन केसेस को? ठीक है, अगर क्रिमिनल लॉयर है तो वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्राइम्स को कैसे हैंडल कर पाता है? तो क्या करता है, जो पुराने केसेस हुए हैं उनके फाइल्स को फोटोस्टेट करा लेता है या फिर बाहर निकलवा लेता है, उनकी स्टडी करता है कि जो ये केस था इसको कैसे सॉल्व किया गया था, ये केस कैसे सॉल्व किया था, ये केस कैसे सॉल्व हुआ था। उसे क्या होता है, क्रिमिनल लॉयर धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपर्ट पोजीशन पे आ जाता है और अच्छा पैसा बनाता है। सेम हर प्रोफाइल में, खासतौर से मैं जो एक्सपीरियंस किया हूं, लॉयर का प्रोफाइल मींस एक एडवोकेट का प्रोफाइल और साथ ही साथ एक सिविल इंजीनियर का प्रोफाइल लगभग लगभग सेम होता है। तो इसलिए जैसे उसमें हमको पुराने केसेस को उठा के पढ़ना होता है, फिर जाके हम एक जज के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, सेम चीज होता है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। आपने अगर स्टेट प्रो सीखा हुआ है तो स्टेट प्रो में अगर आपके पास ढेर सारे पुराने प्रोजेक्ट्स मिल जाएं आपको, मींस कुछ लोगों ने, कुछ जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्होंने प्रोजेक्ट कर रखे हो और वो प्रोजेक्ट आपको मिल जाए, आप उनकी स्टडी कर डालो, उन्होंने लोड कैसे लगाया, उनका परसेंटेज कितना आया, उनकी गलतियां क्या थी, उन्होंने एरर कैसे सॉल्व किए, अगर ये सब कुछ आपको मिल जाए, सेम आप ईटीएफ्स में कर लीजिए, सेम आप ऑटोकैड में कर लीजिए, बिलीव करिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों के प्रोजेक्ट्स देख लिए, उन्होंने कैसे किए ये देख लिया आपने, अब आपको करने में बड़ा ही एक्सपीरियंस महसूस होगा, आपको लगेगा अच्छा यार ये वाला प्रोजेक्ट तो उस फाइल में था, करेक्ट। तो ऐसे बहुत ढेर सारे वैसे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे कुछ ऑटोकैड के प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो मैंने सोचा है कि यार एक सॉफ्टवेयर का देने से कुछ नहीं होगा, मैंने ऑटोकैड का, ईटीएफ्स का, स्टेट प्रो का और साथ ही साथ इसका रैबिट का, इन सब का मर्ज एक फाइल बना दिया है। अब ये मर्ज क्यों किया हूँ, क्योंकि आपको ही पता है कि इतना जितना टाइम मैं दे सकता था मैंने आप लोगों को लिख दिया, मर्ज कर दिया हूँ। और अब इंडिविजुअल तो मैं सबको नहीं भेज सकता हूँ, बट हाँ अगर आप में से सारे बच्चे मुझे यहाँ पर नीचे अपना ईमेल आईडी टाइप करके लिख देंगे तो मैं क्या करूँगा, सबको एक साथ ये जितना प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स है एक साथ भेज दूंगा। थोड़ा सा आपको नेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फाइल बड़ी हो गई है, और वो आपके मेल आईडी पर मैं पहुंचा दूंगा। मैं देने को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकता था, बट उससे मिसयूज भी हो सकता है, मेरी फाइल्स कहां तक जा रही है मुझे आइडिया तो होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं, तो अगर वो शेयर हो रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो वो ना हो इसलिए मैं चाहता हूं कि सेफ साइड ये है कि आप ईमेल आईडी यहां पर टाइप कर दीजिए कमेंट में। आप सबको एक साथ सारे प्रोजेक्ट्स आज इवनिंग में और कल मॉर्निंग में, जो रात में करेंगे आज इवनिंग में, जो मॉर्निंग में करेंगे कल उनको मॉर्निंग में प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मेल कर दिया जाएगा, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ऑटो कैड के हैं, स्टेट प्रो के हैं, ईटीएफ्स के हैं, आप उनको अलग कर लीजिएगा, अलग करके एक एक प्रोजेक्ट को देखिएगा, स्टेट प्रो के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखिए, उन्होंने कैसे किए गए हैं, लोड कैसे लगाए गए हैं, उसमें एरर्स कैसे सॉल्व किए गए हैं उसके अंदर, ईटीएफ्स के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें परसेंटेज ऑफ स्टील कितना यूज हुआ है प्रैक्टिकल, क्योंकि लगभग लगभग 80% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, 20% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाइक किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बनाया या फिर मैंने बनाया और वो क्या बोलते हैं आगे क्लाइंट ने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं बनवाना, ऐसे कुछ फाइल कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो ऐसे करके आपको एक साथ पूरा सेट दे दे रहा हूँ। ये सेट देने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपने जो सीखा है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए। मैक्सिमम बच्चे जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये सब लोगों ने मेरे से ही सीखा है, कुछ लोगों ने कहीं और से भी सीखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सीखा है तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, सो दैट कि इंटरव्यू के सामने आप फेस टू फेस मिला सके, और जब उस कॉन्फिडेंस को आप याद करोगे तो मेरा नाम तो जरूर याद करोगे, उतना मेरे लिए काफी है। फिलहाल अगर कोई 0 टू
100 तक पूरा सीखना चाहता है, मीन्स टॉप टू बॉटम तक अच्छे से सॉफ्टवेयर को इजी लैंग्वेज में, जो मेरी इजी लैंग्वेज में सीखना चाहता है, तो यूनिक्स सिविल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अभी नवरात्रि चल रहा है तो वहां पर एक बहुत अच्छा ही गिफ्ट आपके लिए है, हैप्पी नवरात्रि कोड यूज करेंगे तो 40% फी भी ऑफ है, मीन्स 2-3 हजार रुपए में कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का सॉफ्टवेयर एक साथ सीख सकते हो दोस्त, और शायद ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका हो सकता है। फिलहाल अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कि मुझे सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे से आते हैं तो आपको लाइक प्रोजेक्ट लेने की कोई जरूरत नहीं, बट अगर आप मेरे तरह हो, मींस अभी सीख रहे हो, मैं मानता हूं कि मैं अभी सीख रहा हूं, रीजन क्या है कि जिस दिन मैं मान लिया कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया उस दिन मेरी लर्निंग ही खत्म हो जाएगी दोस्त, इसलिए मैं डेली सीखता हूं। तो अगर आप सीखने में बिलीव रखते हो तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, आपको ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, उनको अलग अलग फोल्डर्स बना के जो भी सॉफ्टवेयर आपने सीखे हुए हैं, जैसे कि आपने ऑटोकैड सीखा है, रेविट सीखा है, तो इन दोनों का प्रोजेक्ट आप अलग कर लीजिए, स्टैट और ईटीएस का डिलीट मत करिए, अपने पास रखिए, उससे बेटर ये होगा कि जब आप इन फ्यूचर स्टैट प्रो सीखोगे तो वो फाइल्स आपके बहुत हेल्प में आएंगी, इन फ्यूचर आप ईटीएफ सीखोगे तो आपके बहुत ज्यादा हेल्प में आएंगी। होप आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा लाइक यूजफुल रहा होगा, और साथ ही साथ आपके साथ एक और छोटा सा मैसेज शेयर करना है कि अभी जॉब्स गाइड वाले चैनल पर रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, कल भी बीम की ओपनिंग आई थी, आज एक स्ट्रक्चर की ओपनिंग आने वाली है, तो आप लोग उस चैनल को जाके देख लीजिएगा, आपका हेल्प होगा अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, नहीं सर्च कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप करिएगा, आपको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट आपके मेल पर पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप लाइक दिस, जय हिंद जय भारत।